चिपचिपी ऑयली स्किन का ऐसा नुस्खा जो आपकी स्किन को पूरी तरह से ऑयल फ्री और एकदम स्मूथ बना देगा। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन लोगों को फेस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऑयली स्किन वालों को फेस पर पिंपल बहुत होते हैं, ऑयल की चिकनाहट के कारण बार बार पिंपल होते रहते हैं और फेस खराब दिखने लगता है और कोई उपाय काम नहीं करता है। कीले, जिनको ब्लैक हेड्स भी कहते हैं, इनको निकलवा लो, ये फिर से हो जाती है। ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम भी ऑयली स्किन वालों को ही बहुत ज्यादा होती है और इसका कोई इलाज नहीं मिलता। लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम भी लगातार ऑयली स्किन बनी रहने के कारण होती है, साथ ही फेस की स्किन एकदम रफ और मोटी हो जाती है। और फीमेल्स में ऑयली स्किन के कारण होने वाली सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी स्किन को कोई भी मेकअप सूट नहीं करता है। मतलब ऑयली स्किन और इससे जुड़ी इन तमाम प्रॉब्लम्स का कोई इलाज नहीं मिलता है, लेकिन घरेलू नुस्खों की मदद से इसका इलाज 100% पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद अपने घर पर ही रखी बहुत कॉमन रोज काम आने वाली किचन की सामग्री से बने नेचुरल घरेलू नुस्खे की मदद से बहुत आसानी से ऑयली स्किन का इलाज कर सकते हैं। ये नुस्खे बहुत सस्ते लेकिन जबरदस्त कारगर और 100% सेफ होते हैं। आज मैं आपको ऑयली स्किन और इससे जुड़ी इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने वाला एक ऐसा ही गजब का पावरफुल नुस्खा बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसे बनाते हैं। और इसके लिए हम लेंगे बेसन। एक कटोरी में हम बेसन की 2 चम्मच डाल लेंगे। अब इस 2 चम्मच बेसन में हम डालेंगे 1 चम्मच दही। ये हमारा दही 1 चम्मच हो गया। इसके बाद इसमें हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। घर में रोजाना खाना बनाने में जो हल्दी पाउडर आप काम में लेते हैं ना, वही हल्दी पाउडर आपको यहाँ यूज करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल डालने के बाद अब आखिर में हम नींबू के रस की 1 चम्मच लेकर अपने इस नुस्खे में डाल लेंगे। बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा तो ये एक पेस्ट, लेप या उबटन बन जाएगा। ये देखिए, हमारा ऑयली स्किन का नुस्खा बनकर तैयार है। अब इसको यूज करने का तरीका देख लेते हैं। आपको इस पेस्ट को लेप की तरह, उबटन की तरह से पूरे चेहरे और गर्दन पर लगा लेना है। जिन फीमेल्स की ऊपर की बाहों या हाथों की स्किन ऑयली है उनको इसे पूरी बांह पर भी लगा लेना है। इसे आपको 15-20 मिनट तक लगा रहने देना है और फिर उबटन की तरह रगड़कर उतार लेना है। इसके बाद ठंडे पानी से इसे धो लेना है। एक दिन छोड़कर एक दिन आपको इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। पहले ही दिन से आपको फर्क महसूस हो जाएगा। 4 हफ्ते तक लगातार इसका इस्तेमाल करने से आपकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और स्किन निखर उठेगी। बस इतना सा करने से आपकी ऑयली स्किन और उससे जुड़ी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।